बैकुंठपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज के मुखिया प्रत्याशी संजय महतो ने नामांकन के दौरान कहा कि 12 दिसंबर को मतदान है और 14 दिसंबर को मतगणना है तथा वह मुखिया पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, इसके लिए वह जनता का आभार व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में मुखिया प्रत्याशी ने कहा कि वह चुनाव जीतेंगे तो विकास की गंगा तेजी से बहेगी, जनता से किया गया हर एक वादा पूरा किया जाएगा। इस दौरान मुखिया प्रत्याशी ने कहा कि सरकार की जो भी योजना ग्राम पंचायत के लिए बनाई जाएगी उसको 100% धरातल पर लाने का प्रयास किया जाएगा। मुखिया प्रत्याशी संजय महतो ने कहा कि हम लोग सेवक बनने का काम करेंगे और पुनः वह अपनी ग्राम पंचायत जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं मनीष तिवारी इस समय बैकुंठपुर प्रखंड में मौजूद है, जहां ये नामांकन का आज अंतिम दिन है और ये नामांकन इस समय चल रहा है और इस समय मुखिया प्रत्याशी ने नामांकन किया है संजय जी ने। मैं इनसे पूरा परिचय पूछूंगा क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या काम करेंगे बताएंगे, और मैं अभी परिचय बताइए कर लो। नमस्कार करता हूँ हाथ जोड़ता और मेरा नाम दूसरा चुनाव जी वो विजेता जी इस बार विजेता बनना है। जो भी मुखिया है हमारे उनके कार्यशैली को उनके कार्यकलापों को देखते हुए जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन का लहर में परिवर्तन होके रहेगा, परिवर्तन होके रहेगा। क्या लग रहा भैया, जनता के बीच के जनता के बच्चे जी, उनके अलावा कोई है ही नहीं। घर का बेटा घर का भाई, घर का बेटा घर का भाई, ऐसे हैं हमारे। भैया क्या क्या काम करना है भैया बताइए। जो सरकार की स्कीमें आ रही हैं जी, उनमें धरातल पे जी, और मैं ये और विकास के उद्देश्य विकास जो हुआ है पूरी जनता मेरी जानती है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं जीतूंगा, ग्राम सभा में ग्राम सभा यानी वार्ड वार्ड में सभा लगाऊंगा, जो समस्या होगी एक वार्ड में बैठकर पूरा समस्या का समाधान वहीं पे होगा। जी जी मेरा यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है जी। करेंगे भैया बहुत बढ़िया। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या करेंगे अपनी पंचायत जी। मैं अपने जनता से यही कहना चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट करें, जो आशीर्वाद बनाए हैं वो बनाए रखें। मैं मनीष तिवारी, TV1 इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए बैकुंठपुर से मनीष तिवारी की रिपोर्ट।